भाई कंफर्टेबल तुम्हारी गाड़ी से ज्यादा है, ज्यादा है भाई उससे। गाड़ी बाहर से बहुत अच्छी है, अंदर से उतनी बुरी है। वो इतना गंदा है, ऊपर से जो प्लास्टिक क्वालिटी उन्होंने यूज करी है वैसे है कि ऐसी गाड़ी अगर हल्का सा पैर भी रख दोगे तो स्क्रैच मार जाएगा वो पूरा। होंडा की तरफ से सर्विस होती है वो हर चीज में इवन थी, चाहे डिलीवरी हो चाहे टाइम की हो। नाम सभी भाइयों को कैसे हो सारे के सारे। आज भाई बहुत दिन बाद एक गाड़ी रिव्यू कर रहे हैं ऐसी हम, वरना स्कॉर्पियो खराब, ये खराब, वो खराब, यही डाले जा रहे थे। तो भाई हमारे सामने ब्रांड न्यू होंडा की तरफ से आने वाली एलिवेट भाई VX वेरिएंट है भाई, मैनुअल गियरबॉक्स के साथ है। आज इसका फुल ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। सबसे पहले तो गाड़ी देख लो, हो सकता है आपने देख भी रखी। सबसे प्यारा जो मुझे इसका लगता है ना वो भाई ये फ्रंट लगता है, बैक तो देखो नॉर्मल सही है लेकिन फ्रंट से गाड़ी काफी बल्की लगती है यार। और ये कुछ इस तरह की इसका वो LED सेटअप है, नीचे फॉग लैंप मिल जाते हैं और ये फ्रंट में ग्रीन मिलती है, बीच में बड़ा सा होंडा का लोगो मिलता है भाई। एक बार देखो कुछ इस तरह की इसकी की है, भाई ने कवर लगवा रखा, काफ़ी प्रीमियम लग रही है यार। रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है भाई, पास आते ही अपने आप खुल रहा है, दूर जाते अपने आप बंद हो रहा है। देखो देखो बंद हो गया। चलो भाई कीलेस एंट्री आती है, VX वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है यार। कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है, ये आपको मिलता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दियो भाई। एक बार यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, गाड़ी हमने की स्टार्ट। ये देखो कुछ लोगों नहीं पर ये तो आया अच्छा। ये होंडा का ही आता है, इसमें एलिवेटी बन के आ रही पूरी भाई। देखो मैं आपको बताऊं, होंडा का मैं यूजर रह चुका हूँ भाई। देखो मेरे पास होंडा जैज थी जिसको मैंने करीब करीब 70-85 हजार किलोमीटर चलाया था। होंडा को जाना जाता है ना अपने इंजन की वजह जाना है तब, और इस टाइम भी उस गाड़ी में इतनी पावर थी कि वो भी और भी चल जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली NCR में हम लोग रहते हैं तो वो 15 साल वाला चक्कर था, तो मुझे उसे सेल करनी पड़ी। लेकिन होंडा की जो मेन बात है ना वो रिलायबिलिटी होती है भाई, इंजन जो इनका IVTEC टेक्नोलॉजी है उसके लिए जानी जाती है। बाकी इस बार ये सेगमेंट में भाई आए हैं तो गाड़ी इन्होंने बढ़िया बनाई है, नो डाउट। सिंपल सोवल इंटीरियर रखा है, इंटीरियर में ज्यादा कुछ इतना नहीं दिया लेकिन सिंपल सोवल रखा है। ये भाई प्यारा लगता है, मतलब ऐसा नहीं जिसको अपना नॉर्मल चीजें पसंद है ना उसके लिए। यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश है, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच लगता है लेकिन है ये हार्ड प्लास्टिक ये भी। और यहाँ पे ये ऑटो फोल्ड होंगे ना भाई मिरर्स, ऑटो फोल्ड मिरर आते हैं, ये देख लो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल आते हैं, चार्जिंग का दे रखा है। और भाई देखो वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है जो कि मेरी गाड़ी में भी नहीं, जबकि मैंने टॉप मॉडल ले रखा है, तो ये एक अच्छा लगा मुझे। अच्छा एक चीज मुझे इसमें बुरी लगी पर्सनली भाई, वो नहीं है क्रूज कंट्रोल। इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल होना चाहिए था भाई इस सेगमेंट में भाई। और नहीं भाई ये सेकंड टॉप है, इसके बाद एक ही टॉप बचता है, तो उसमें तो होना चाहिए ना। बेस में नहीं दिया आपने ठीक है, लेकिन इसमें क्रूज कंट्रोल तो होना चाहिए था भाई एटलीस्ट क्रूज कंट्रोल। हाँ एडास्ट टॉप में आता है, टॉप में आ जाता है पर इसमें क्रूज कंट्रोल एटलीस्ट होना चाहिए। स्पेस बताओ भाई फ्रंट में, भाई फ्रंट में स्पेस ठीक है, ठीक है ओके, आप कंफर्टेबल हो, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भाई ये आर्मरेस्ट मिल जाता है और इधर ये वो है, यहाँ आपको ग्लव बॉक्स है, ये मतलब सिंपल सुपर बढ़िया गाड़ी है। ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, बाकी एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलता है। ये फैन एडजस्टमेंट है और ये अच्छा है, बटन है वो ना टच वाला होता है, वो गाड़ी चलने में प्रॉब्लम करता है, दिक्कत नहीं आएगी ऐसे करने में, तो ये सही है। वरना आजकल वो गेमिंग फीचर आ रहे हैं, टच करते रहो उसमें नजर डालनी पड़ती है, जैसे कि हमने वर्टिस में देखा था जब निखिल भाई का शूट किया था, वरना में भी वही है। बाकी इसमें दो यहाँ सॉकेट यहाँ मिलते हैं और वायरलेस चार्जर तो मिल ही रहा है, एक ये मिलता है आपको चार्जर वाले, और ये दो आपको कप होल्डर यहाँ मिल रहे हैं, और पीछे भी आर्मरेस्ट होगा, पीछे आर्मरेस्ट नहीं है, और बीच में आपका हेडरेस्ट भी नहीं है। ये भाई ये डिसअपॉइंटमेंट लगी थोड़ी सी, छोटी सी सनरूफ मिल रही है इस वेरिएंट में जो कि नॉर्मल है। एक बार पीछे कंफर्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, भाई कंफर्टेबल तुम्हारी गाड़ी से ज्यादा है, ज्यादा है भाई उससे। अगर हम बात करें थाई सपोर्ट की भी तो ज्यादा है भाई, मेरी यहीं खत्म हो जाती है, इसके बाद भी है हेडरूम भी अच्छा है भाई। चलो भाई एक बार बाहर आ जाओ, एक बार बूट स्पेस और कुछ चेक कर लेते हैं। सेगमेंट में मैंने सुना सबसे बड़ा बूट स्पेस है इस गाड़ी का, और भाई है वो, भाई ने ऑलरेडी सामान भी रखा हुआ है तो आप खुद देख लो, भाई ने भी अच्छा खासा सामान रखा है यार। भाई तो बूट है, मतलब आप अगर जा रहे हो तो सामान रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की। तो चलो भाई भाई से बात करते हैं, भाई से इंट्रोडक्शन करते हैं, क्या हाल है भाई साहब, कब लिया आपने ये? एक महीना हो गया। अच्छा तो और भी गाड़ी देखी थी आपने कोई? हाँ सारी देखी थी मैंने इस सेगमेंट में, कुशाक, टाइगन, नेक्सॉन, XUV, क्रेटा भी चलाई थी बेस मॉडल, बट जो मेरी रीजंस थे बाय करने के वो यही थे कि मेरे को इंजन क्वालिटी चाहिए थी कि 10-15 साल गाड़ी चले, रिलायबिलिटी चाहिए थी, एक होंडा की सर्विस है जो सबसे ज्यादा जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और तीसरा कम्फर्ट था क्योंकि मम्मी पापा को बैक के इश्यूज हैं, तो मेरे को कम्फर्ट सबसे ज्यादा चाहिए था।
तो उस सेगमेंट में सिर्फ यही आ रही थी, बाकी XUV थी जो मेरा सेकंड प्रेफरेंस था और नेक्सॉन था थर्ड प्रेफरेंस। बट नेक्सॉन का इंजन जो था वो थोड़ा, अगर आप हैवी उसको रोल करोगे अंडर पावर, हाँ तो अंडर पावर भी करता है, उसके इंजन में से आवाज़ भी आने लगती है अगर आप थोड़ा हाई आरपीएम पे चलाओ उसको। तो सेम चीज़ XUV में थी कि XUV के तो फेसलिफ्ट नहीं आया काफ़ी टाइम से, पुराने फीचर्स हैं, पुराने लुक्स हैं, प्लस उसके अंदर बहुत सारे जो बेसिक फीचर्स आजकल सब मिलते हैं वायरलेस एप्पल कारप्ले वगैरह जो वो मिसिंग है, हाँ वो सब कुछ मिसिंग है उसमें, प्लस उसका फेसलिफ्ट आने वाला है अब जनवरी में, तो फायदा नहीं लगा मेरे को अभी लेने का। अच्छा ये बताओ, जैसे नेक्सॉन आप कह रहे थे कि नेक्सॉन जहाँ तक आपकी आ भी रही थी, तो नेक्सॉन का जो फेसलिफ्ट आया, ये हमारे देखो सामने भी चल रहा है, इसका तो इंटीरियर वगैरह काफी अच्छा है और मतलब काफी प्रीमियम है, तो इसकी तरफ क्यों नहीं गए? गाड़ी बाहर से बहुत अच्छी है, अंदर से उतनी बुरी है। अच्छा कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही इशू आ रहा है कि टाटा की सर्विस को लेके, जैसे काफी लोगों का आता है की सर्विस की बात मैं बताऊं सीधा सीधा, तो मैंने 25,000 रुपए दिए थे बुकिंग के टाइम पे, अब ढाई महीना हो गया अभी तक नहीं आया। बताओ ये, और पैनल की बात करूं तो पैनल अंदर इसमें आप छुओगे ना तो ऐसा नहीं लगता कि किसी बहुत घटिया सस्ती सी गाड़ी, चीप क्वालिटी नहीं लगती, मतलब उसका फिट एंड फिनिश अच्छी है। उसका जो पैनल गैप है वो इतना गंदा है, ऊपर से जो प्लास्टिक क्वालिटी उन्होंने यूज करी हुई है वैसी है कि ऐसी गार्ड अगर हल्का सा पैर भी रख दोगे तो स्क्रैच मार जाएगा वो पूरा। अच्छा अच्छा, इतना गंदा है वो, तो मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए यूजेज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूजेज नहीं, ऊपर से टाटा की सर्विस तो खैर अभी तो सही नहीं है। तो मतलब ऐसे एक महीना हो गया, कितनी चला दी आपने इसको? 1700 चला ली। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा पावर परफॉर्मेंस को लेकर? अगर बात करें परफॉर्मेंस के लिए, देखो ये गाड़ी नहीं है, कुशाक है अगर आपको पावर के, वो तो स्कॉड जर्मन, तो देखो जर्मन कार्स में जाना पड़ेगा, इसमें पावर नहीं है। बट नहीं, डे टू डे लाइफ की अगर मैं बात करूं, अगर आपको मतलब आपको भगाने का शौक नहीं, आपको खाली ये कि आपको स्मूथ राइड, स्मूथनेस में एज पर फैमिली कार की अगर हम बात करें, फैमिली कार ही है ये, फैमिली कार है, वो बैचलर वाली कार नहीं है। माइलेज की अगर बात करें, अब तक क्या दे रही है माइलेज? सिटी में मेरे को मिल रहा है करीब 11.5 से 12, और हाईवे पे मैंने चलाई आज तक 2-3 बार या 17 से 19। सही है भाई यार, माइलेज एवरेज बढ़िया दे रही है। मैंने 20 बोला अपने मन में कि 20 का होगा, उसने 17-19 बोला भाई। बाकी अभी तो नई गाड़ी है यार, अभी और जहाँ तक निकलेगी एवरेज, जहाँ तक अभी तो फर्स्ट सर्विस, तो फर्स्ट चेकअप तो करा लिया होगा आपने, 1000 पे हो गया तो सबका ही वही है। एक बार इसका बोनट और खोलो वो, और हम दिखाते हैं भाई। देखो होंडा की जान, होंडा का IVTEC पेट्रोल इंजन, देखो भाई होंडा नो है ना, अपने इंजन की वजह जाना जाता है, और वो बात है क्योंकि मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ होंडा को। जो बंदा होंडा की तरफ जा रहा है ना, वो इंजन के मामले में तो मतलब निश्चिंत रहेगा। अच्छा, और कोई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा होंडा के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस की बात करें या वेटिंग कितनी थी जब आपने बुक करी थी? बंद हो गई ना? नहीं, वेटिंग थी मेरे वाले टाइम पे 30 डेज, बट होंडा ने मेरे को कमिटमेंट किया था कि 27 नवंबर तक देंगे, 24 को इन्होंने गाड़ी रेडी कर दी थी। वो मेरी तरफ से डिले हुआ था थोड़ा पेमेंट का, बट होंडा की तरफ से सर्विस जो थी वो हर चीज़ में इवन थी, चाहे डिलीवरी हो चाहे टाइम की हो, फर्स्ट सर्विस की भी बात हो, तो उन्होंने टाइम पे बुलाया, टाइम पे भेज दिया था। अच्छा, तो आप वैसे सेटिस्फाई हो मतलब? 100%। तो कितने की पड़ी आपको ये ऑन रोड अगर हम बात करें? VX वेरिएंट 15.5 लाख की, तो वो आ गई अपनी नेक्सॉन 15.5 की पड़ी, 15 लाख की। हाँ अच्छा, तो भाई 15.5 में जो ये गाड़ी ऑफर कर रही है ना, ये वरना 15.5 लाख अगर आप देते हो तो आपको इससे एक नीचे सेगमेंट की गाड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन ये अपनी डे टू डे लाइफ के हिसाब से सारी नीड्स पूरी कर रही है, इसमें वो फीचर्स हैं। बाकी अगर आपको एडास वगैरह की तरफ जाना है तो आप ऊपर भी जा सकते थे, या वो नीड नहीं थी आपकी? नहीं, उतनी नीड भी नहीं थी, बजट भी नहीं था, बजट हमारा 14 लाख का ही था वैसे। हाँ, वैसे आप एक नीचे सेगमेंट ही दे रहे तो आपने ये ले ली, वो अच्छा बट ये था अवेलेबल प्लस बढ़िया लगी तो फिर ये ले लिया। भाई गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है यार, मैं अभी जितना देख रहा हूँ ना, उतनी नीचे लग नहीं रही भाई, बढ़िया लग रही है। ऐसा नहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नीचे टिकने का चांस नहीं रहेगा इसका। बाकी एक बार अंदर चलते हैं, अंदर चल के और आपको बताते हैं एक दो चीज़ें। स्पीकर कितने आते हैं भाई इसमें? स्पीकर इसमें 4 और 2 ही हैं। 4 स्पीकर 2। साउंड क्वालिटी कैसी लगती है? बढ़िया साउंड क्वालिटी सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी लो है, बाकी की गाड़ियों में जो मैंने जैसे ट्राई करा था, बट ठीक है, ऐसे बुरी नहीं है। बाकी और आपको नेगेटिव क्या क्या लगते हैं? चलो तारीफ तो बहुत होगी, हर गाड़ी तो परफेक्ट नहीं होती। हाँ जी, नेगेटिव है, बहुत सारे नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावर नहीं है, वो जो अगर आपको पावर वाला एलिमेंट चाहिए वो चीज़ नहीं है। दूसरा जो इस वाले सेगमेंट में मोस्टली आजकल आ रहा है एवरेज हाइब्रिड के साथ में, हाइब्रिड के साथ में और ऊपर मिल जाता है हाईवे पे, मतलब 22-23 का दे रही है जैसे हाइराइडर वगैरह, अपना 17-18 का ही है। प्लस गाड़ी में अगर आपको जैसे आपको लेन में अगर ओवरटेकिंग की बहुत क्विकली ओवरटेक किया जाता है तो वो चीज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली भी उससे पावर नहीं है। तो डाउनशिफ्ट करके तो आप निकाल सकते हो ना, या वो भी उसमें भी लैग करती है हल्की सी? हाँ, लैग तो हो गई होगा क्योंकि पेट्रोल इंजन है, बट इशू मेन जो है वो यही है कि पावर नहीं है उसमें गाड़ी, वो नहीं मिल रही जो आपको नीड चाहिए। हाँ, मतलब सिटी का इंजन ही है इसमें ना, डिटो सेम। हाँ वही है सेम, तो सिटी का वेट के हिसाब से बनाई गई है, बट ये बड़ी गाड़ी है, एलिवेट में वेट ज्यादा है।
तो कहीं ना कहीं हल्का सा आपको पावर का लैग तो भाई फील होगा इसमें। और फिर दूसरी चीज मुझे पता ये भी लगा कि कंपनी ने इंजन ऑप्शन दिया ही नहीं, मान लो टर्बो दे लेते तो वो बंदा जिसको पावर चाहिए वो टर्बो की तरफ भी जा सकता था, इन्होंने एन इंजन ही दिया है अपना। ये होंडा का स्टार्टिंग से रहेगा, सिटी में भी ये चीज देता तो होंडा ऊपर जा सकता है। डब्ल्यूआरवी आ रही है इनकी नई, उसमें लोग देंगे सारे ऑप्शंस। चलो काफी टाइम बाद तो होंडा ने प्रोडक्ट निकाला है, उम्मीद करेंगे निकालता रहे क्योंकि इंडिया में होंडा को पकड़ बनाने की जरूरत है इस टाइम, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है भाई होंडा का। जबकि ये गाड़ी फिर भी इन्होंने अच्छी बनाई। अच्छा क्रूज कंट्रोल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्रूज कंट्रोल तो यार सब में आ रहा है, ये बहुत बेसिक नीड है आज के टाइम पे। अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो तो ये होना चाहिए था यार गाड़ी में। बाकी और कोई नेगेटिव? नहीं और कोई नेगेटिव मेरे को तो नहीं लगा इसका, और नहीं लगा। और बाकी ये देखो ये मैनुअली आता है इसमें, और इधर मिरर नहीं है, इधर है, इधर मिरर है। ये यहाँ पे आपको मिलती है एलईडी भाई। पीछे कंफर्ट भाई ने बताई दिया, ड्रॉबैक और पीछे कोई अच्छा ये लाइट, पीछे भी लाइट है यार मेरी में ही नहीं, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ होती है ना उसमें लाइट की बड़ी दिक्कत रहती है। हाँ भाई की मैं पीछे है ही नहीं, मतलब रात में अगर। बाकी इसका रिस्पांस कैसा लगता है आपको, मतलब लैगी है या सॉफ्ट है? बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ है यार काफी कंपैरेटिवली। अभी ये बंद है, अच्छा कारप्ले बंद है। बाकी आप एप्पल कारप्ले भी बहुत स्मूथ है। कैमरा क्वालिटी देखते हैं इसकी, ठीक ठाक सी है थोड़ा सा। अब जब से हमारी स्कॉर्पियो का ठीक हो गया ना तो हमें ठीक ठाक सही है कैमरा। बाकी भाई इसमें ये चीज अच्छी लगी मुझे कि लेन कैमरे मिलते हैं, उसको एक्सेस करने का भाई ने मुझे बताया यहाँ से ये बटन है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये आ गया, अब इसको चला के देखना एक बार कैसा लगा। सेम ही है मेरे को, सेम ही है। 360 इसमें भी लैगिंग है, 360 नहीं है लेन कैमरा, 360 अलग होता है। ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगती है गाड़ी की हाई स्पीड पे? ब्रेकिंग वगैरह बहुत सॉफ्ट है, होंडा इस चीज में तो है बहुत सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं थी। ये था छोटा सा रिव्यू, बाकी गाड़ी को भी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, एक बार दोबारा ले लेंगे भैया का जब 10,000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे इसके, तब मेरे ख्याल से सर्विस एक्सपीरियंस भी पता लग जाएगा। बाकी सर्विस के कॉस्ट वगैरह का आइडिया उन्होंने होंडा ने कुछ आइडिया दिया या कोई पैकेज वगैरह? हाँ, पूरा एक वो दिया हुआ था मेरे को, क्या कहते हैं मैनुअल दी हुई थी उसमें, पर सर्विस कॉस्ट लिखी हुई है 10,000 तक तो वही फ्री होती है। उसके बाद में ऐसी है मतलब 6,000 से 7,000 पर 10,000 किलोमीटर पे, 50,000 एंड 1 लाख वाली जो सर्विस होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी। बाकी उन्होंने बोला कि ये सब पे कुछ कूलेंट वगैरह, इंजन ऑयल और फिल्टर वगैरह चेंज होता, बेसिक चीजें चेंज होंगी, फ्यूज वगैरह सबकी इनकी लाइफ का गारंटी होती है 1,00,000 किलोमीटर की जो कोई और नहीं देता। बाकी एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ली थी इसकी 5 साल की ली हुई है जो मेरे को 11,000 की पड़ी। अच्छा होंडा की भाई रिलायबिलिटी तो है, ये लोग ना मतलब अपनी गाड़ियों को पूरा श्योर रहते हैं कि ये गाड़ी में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन फ्यूचर, ये तो है जो होंडा में भाई पर्सनली ये चीज तो है ही है। चलो कुल मिला के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब अगली वीडियो आप इसकी ड्राइव की देखोगे भाई, क्योंकि पहले भी हमने बनाई हुई ड्राइव की बट वो प्रॉपर नहीं बन पाई थी है ना जब हम गए थे वहाँ, तो प्रॉपर आपको ड्राइव की वीडियो देखोगे आप। चलो मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।